साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो हम आए हैं इधर किधर व्लॉग, मेरा चैनल है भाई। ये देखो चौधरी खामा खा का बन रहा भाई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है चैनल में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका अपना सलमान बशीर, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। हाँ भाई क्या बोल रहा है, इज्जत ही नहीं है, मैं क्या बोलूं। अभी दो मिनट रुक जाते हैं, अजाने हो जाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो अभी मैं इत्तफाक से मंडी आया था चक्कर लगाने। यहाँ पे सलमान भाई मिले हैं, हम इनके सब्सक्राइबर हैं, तो हम इनसे दुम्बे के बारे में कुछ सवाल करेंगे। हाँ सलमान भाई, भाई ये दुम्बा नहीं, ये टकरे मार रहा है। देखो ये देखो, अच्छा ये देखो, ये देखो, ये कौन सी नस्ल का भाई ये अंग्रेज ऊपर से देखो। अब ये बताएंगे इनको, चेक करना पड़ेगा। ओ माशाल्लाह, ये देखें भाई जान, इस टाइम हम मौजूद हैं रोड नंबर 8 मंडी बकरा मंडी। रात का टाइम है, तकरीबन 9 बजे हैं। साथ भाई बताओ मंडी में क्या सूरत हाल है अभी इस टाइम? मंडी में अभी तो सूरत हाल सुबह के टाइम रश होता है। आज अभी इन दिनों में तो रात को भी रश होता है। इस बार समझ नहीं आ रही क्या इस बार असल में रोजगार कम है लोगों के, बहुत सन्नाटा, नहीं तो इतना सन्नाटा, इतनी महंगाई हो गई है, लोग कहाँ से पूरा करेंगे? इतना सन्नाटा नहीं, शुक्र है कुछ दो चार मंडी में तो आ गए, लेकिन आपकी बजट क्या है? हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफा ना डील करना होता। बदरे लग रहे हो मुझे तो। नहीं भाई जेब पतरा बना दिया इसको। इसको हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, वो मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफा ना डील करना होता। डील करना इंसान का ना टक्कर मारेगा पीछे भाई। माशाल्लाह कोई ग्राहक आए अभी, दुआ करो इस तरह चेल पे लगी रहे। ये भी समस्याएं हैं रोजगार के लिए, बेचारे बेचने के लिए क्या माल घाटा लगा हुआ, बिल्कुल बात है। फिर आपको हम बकरे दिखाते हैं जी दोस्तों। तो माशाल्लाह ये बकरा देखें, इसकी हाइट देखें, कितने किलो का होगा पठान? किलो का नहीं, कोई मन का पूछ। कितने मन का है ये चेक करके बताओ। तू क्या करने क्या है, व्लॉग बनाने हैं घर इंसानों वाले? अच्छा बात क्या पूछ रहे थे आप, ये कितने मन का होगा? ये मैं थोड़ी बेचने वाला यार। अच्छा यार ये क्या कर रहे, मैं पूछ रहा हूँ आगे से कुछ और बोल देता है, मेरे को क्या पता। बंद कर यार। दो सन्नाटे आप देख सकते हैं, लोग पूछा भी दो चार बंदों से क्या वजूहत है जो रश नहीं है, नहीं तो इन दिनों में इधर पैर रखने की जगह नहीं होती। तो मकसद पूछना यह था कि क्या वजूहत है। तो कोई लोग बोल रहे हैं कि भाई महंगाई इतनी है, राशन पूरा नहीं हो रहा, कुर्बानी कहाँ से करेंगे। तो अभी तक देख लें, अभी रात का टाइम है, सोनाटा आप देखें माल भी कम है। और वीडियो दिखाओ सारा, फिर बात करते हैं हम लोग। ये माशाल्लाह बकरे देखें कितने खूबसूरत हैं, बड़े बड़े। मुझे पता नहीं, पूछ दादू। माशाल्लाह दादू से हैं भाई। भाई ये कौन सी नस्ल है? कुका। कुका, ये कुका नस्ल है भाई जान, मारती तो नहीं है। तो माल भी वहीं से लाए हो? माल भी दादू से आया, दादू से माल आया भाई, वहीं से लाए बेचने के लिए। अल्लाह करे इनका जल्दी जल्दी बिके ताकि अपने घर वापस जाए। हमारी दुआ इनके लिए, क्योंकि खुले आसमान में बैठे हैं ये लोग। ठीक है, अभी हो गई है ना, सुबह सारा दिन काम किया हम लोगों ने, फिर उसके बाद उधर से थके हुए हैं। ये पता नहीं व्लॉग बन कैसे रहा, मैं खुद नहीं पता, गंदे कपड़ों में। ये देखो ना पठान को माशाल्लाह, काम वाले कपड़ों में ये पहुंचा हुआ है, बालों में बम फटा हुआ है इसके, आया हुआ इधर। नहीं, 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 लोहे की चारपाई, वो तो लकड़ी की। अरे थक गए यार, बहुत थक गए।
गए माशाल्लाह, मंडी चहल पहल लगी हुई है इधर। अभी दुआ है हमारी चहल पहल लग जाए इधर, रात का टाइम है। माशाल्लाह माल आया हुआ सिंध से, जल्दी जल्दी ग्राहक आओ इधर लेके जाओ। रोड नंबर 8 कैटल कॉलोनी नज़ DSP का दफ्तर है, जल्दी जल्दी पहुँचो इधर। आज के लिए ब्लॉग यहीं एंड करेंगे, फिर इंशाल्लाह नए ब्लॉग में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।